के शो को मैं किसी के प्यार में सही का ख्याल विराट को खींच कर उनके पास तो ले जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जब वो वहां पहुंच जाएंगे तब उन्हें उल्टे पाव सही वहां से भगाती नजर आने वाली है, जाने के लिए कहती नजर आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर भूख में तड़प रही सही इतनी ज्यादा परेशान होंगी कि उनके अंदर का जो भी दुख और दर्द है वो जब विराट उनसे मिलने पहुंचेंगे तब उनके सामने रखती नजर आए। यहाँ तक कि सही तो विराट और पाखी की जिस तरह से वीरू की उन्होंने परवरिश की है उस पर भी उंगली उठाती नजर आएंगी। जिस तरह से सही ने सभी की परवरिश की, उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, वो कमेंडेबल था। इस बात को लेकर सई काफी कुछ सुनाती नजर आने वाली है विराट को, और वहीं दूसरी तरफ विराट को बाहर का रास्ता भी दिखाती नजर आने वाली है और विराट के मुंह पर दरवाजा बंद भी करती नजर आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखने वाले हैं कि जब सई त्योहार के दौरान अपने घर के सामने रंगोली बना रही होंगी तब वहां पाखी पहुंच जाएंगी और पाखी सई की उस रंगोली को स्पॉइल कर देंगी, और इस तरह से पाखी और सई के बीच में वापस से एक बहस छिड़ने वाली है, जहां पर सई जो है वो पाखी को कर्मा का एक बड़ा वार्निंग और एक बड़ा एग्जाम्पल देती नजर आने वाली है कि जो वो कर रही है वो वापस से बहुत ही जल्द उन्हीं के ऊपर आने वाला है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जहां पर धीरे धीरे करके सब कुछ चेंज होता जा रहा है पाखी की लाइफ में, सई की लाइफ में, विराट की लाइफ में, तो आखिरकार इन तीनों की लाइफ में ऐसा कौन सा नया ट्विस्ट आएगा जो इनकी कहानी को इस तरह से पलट कर रख देगा जिसके बारे में ना हमने और ना ही किसी और ने सोचा होगा। जाने के लिए आप उसके शो को मैं किसी के प्यार में को लगातार देखती रहिए। टेलीमॉन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।